तो कहानी शुरू करने से पहले यार मैंने सोचा कि हर बार वीडियो के एंड में कर दें, थोड़ा सा फिर से वीडियो के स्टार्ट में कर देते हैं। हमारी ऑफिशियल मर्चेंडाइज इज नाउ अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन www.theoddprani.com। जल्दी से जाके अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो क्योंकि स्टॉक लिमिटेड है और मेरे ख्याल से ऑलरेडी एक टी शर्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है। तो बाद में मत कहना कि मिला नहीं, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि अगला स्टॉक कब आएगा। सो मेक श्योर यू प्लेस एन ऑर्डर टुडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कहानी शुरू होती है मजीशियन इमरान हाशमी से, जिसे लोग बुलाते हैं बोबो। I wonder why? नहीं सीरियसली, मैं पूछ रहा हूँ why? अरे मैं क्या बताऊँ मैं? And ये इस not interested crowd के सामने perform करता है, who is really impressed. देखो इस लौंडे को, और अपनी CGI गर्दन को गिरा देता है, और देखो और देखो इस लौंडे को देखो यार। लेकिन अब इसे करना है ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक, जहाँ ये okay, this looks so wrong. अबे चढ़ गई, I mean that's the way you ride. sorry. बड़ा हरामी हो बेटा। वहाँ फैजल खान की बीवी बैकस्टेज से सब देख रही है, एंड ये जादू करने जाता है कि इसे आवाज आती है एक भूत की, एंड इसे दिखती है भूत, एंड इस भूत ने इतना निकाला इसका मूत कि ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, एंड ये बेचारी रोप क्लाइंबर, if you know what I mean, जल गई। तो फैजल की बीवी इज लाइक, राय का पहाड़ मत बनाओ के अबे साले। लेकिन यहाँ बोबो हाशमी अपनी जोरू फैजल खान की बीवी को नहीं बताता कि उसे भूत दिख रही है, एंड ये बच्चा लिव्स इन एन अडॉप्शन सेंटर, एंड बच्चा चाहिए तो दोनों को शादी मनाने का। शादी मनाया नहीं ना, अरे तो गान मराने का। तो शीज लाइक, जूते खाओगे? हाँ, लेकिन वो बोबो हाशमी गॉट इश्यूज डूड, उससे मिल लो प्लीज। लेकिन बोबो हाशमी तो अपने पुराने वाले घर गया था जहाँ की लिफ्ट काम नहीं करती, एंड ही इज रियली शेडी। एक्चुअली सारे पुराने लिफ्ट शेडी थे यार, सारे के सारे लिटरली। एग्जैक्टली। एंड ये अपने पुराने घर में जाके म्यूजिक सुनते सुनते दारू एकदम नीट मारते मारते चिल कर रहा है, लेकिन इसे आती है एक आवाज एक कमरे से, एंड ये अपने जादुई फोन की टॉर्च ऑन करता है, बिकॉज दैट्स हाउ फोन्स वर्क डूड, कम ऑन। अच्छा। एंड देखता है कि डब्बे से आ रही है आवाज, और डब्बे में है एक लाश उसकी बहन की, और ये लाश के ऊपर है सीजीआई चिपकली। सब नेग इसकी फटके 20। लेकिन वहाँ फैजल खान की बीवी आ जाती है, तो अब उसमें है सिर्फ एक गुड़िया, क्रीपी सी। तो चलो इसे उठा के ले चलते, क्योंकि वहाँ पड़ा हुआ था ऐसे, एंड कैरिंग अ क्रीपी डॉल इन हॉरर मूवीज इज अ ग्रेट आइडिया। एग्जैक्टली। बट वेल, घर पे शी इज लाइक, आराम खोर, वो घर बेच दे, मस्त पैसा मिलेगा, रेट अच्छा चल रहा है, समझ में नहीं आता तेरे को महंगाई कितना हो गया, बेच देना। लेकिन बोबो हाशमी इज लाइक, हमको फैजल खान ने भेजा है। लेकिन चिपकली अंदर गई कैसे? रुक तेरी माँ को, चल तेरे को टीज करके, सेड्यूस करके, ये फिर केएलपीडी करके, फिर मार मार के करती हूँ टू डिस्ट्रैक्ट यू, ये चिपकली पकड़, और अरे बीच पे आ गए हम, चले औरतें क्या देख रहा है, चल जंगल में चल, अरे यहाँ भी डिस्ट्रैक्ट, फिर से आ जा। बड़े अजीब लोग हैं यार, एडवेंचर सेक्स के लिए अजीब अजीब जगह जाते हैं अरे लोग, ओयो ही कर लेते हैं, उससे अजीब क्या हो सकता है। क्या आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया है? But when someone has mental issues, they gotta take help. तो ये जाता है अपने पुराने साइकियाट्रिस्ट के पास, जिसका ये टेनिस बॉल चोरी करके फूल बना देता है, और उसे बोलता है, I need help, you old fuck. तो वो इसे उठा के ये ट्रिपी वॉलपेपर दिखा के हिप्नोटाइज करके बोलता है, अपना बैंक का सारा डिटेल मुझे दे दे, सॉरी, ऐसा कर, पहले चल भौंकना शुरू कर साले। तो ये सडनली पास्ट में पहुंच जाता है, वो I didn't know this shit works like this, but whatever. तो वेल, राज कुछ साल पहले का शुरू, जहाँ यंग बोबो हाशमी यूज टू रीड बुक्स लाइक काल डायन और शैतान, जो एक भंगार वाले से खरीद के लेके आया था, वो इंटरेस्टिंग। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। एंड बुक में ये पढ़ता है कि 666 नंबर शैतान का है, तो चलो लिफ्ट में जाके इसे टेस्ट करते हैं। ओके, व्हाट नाउ? स्टे इन स्कूल। एंड इसकी छोटी बहन जॉइंस द एडवेंचर बिकॉज़ भैया मुझे भी साथ में मरना है। तो ये 666 दबा के नर्क में पहुंच जाता है। व्हाट द फक, मेरी लिफ्ट में तो ऐसा नहीं होता, मैं 6 फ्लोर पे रहता हूं, क्या बात कर रहे हो यार, डॉक्टर के पास ले जाओ, बता रहा हूं। जहां है एक डायन, बट बैक टू रियलिटी, अबे वहां पे तो डायन थी, एंड इनका बाप हु इज अ प्रोफेसर एंड सिंगल एंड इज एंग्री। लेकिन बच्चों से कब तक नाराज रह सकते हो तुम भैया? मुस्किया दिए भाई, मुस्किया दिए, मुस्किया दिए। लेकिन बेटा डायन तो अब आएगी। एंड अगले दिन लाइफ में मिलती है इन्हें डायन, आई मीन कोंकणा सेन शर्मा। सब निग। एंड इसका बाप उसे देख के इतना कि उसे लिफ्ट तक दे देता है भैया। लेकिन दोनों बच्चों की तशरीफ फटी पड़ी है कि साला ये तो डायन है।
एंड इसका बाप इतना चमड़ी निकला कि सीधा इसके साथ येप, ये डायन है। और इसका बाप इज लाइक हॉट अवे, आज से तुम्हारी स्टेप मॉम बनने का प्रोसेस शुरू कर रही है, ठीक है। एंड वेल, सिंस बाप पे कब्जा मार लिया है तो उस पे रखना होगा नजर, सारी डायन नॉलेज जाननी पड़ेगी। डायन की गांड उसके जान उसके बालों में है एंड दम पिशाच की गर्दन में। आई डोंट नो हु रोट दिस डायन एंड पिशाच लॉ, बट इट इज स्टूपिड। तो ये उसका पीछा करता है लिफ्ट में और उसमें से निकली सीजीआई छिपकली, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। इसलिए मुझे छिपकलियां पसंद नहीं, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग का क्रीपी बुड्ढा इसे देख के शुरू हो जाता है लीज़ा एंड डायन, कोंकणा सेन की फटके 40। तो बच्चे को चाहिए और इन्फो, अगले दिन निकालना पड़ेगा। बट डैम यू बुड्ढे, एक दिन बाद नहीं मर सकता था साले। ओह शिट, आई एम सॉरी। तो इसे फिर से दिखती है वो छिपकली एंड दैट छिपकली अटैक्स हिम, तो इसकी फटके 60 एंड ही इज लाइक हमारे सामने औकात क्या है तुम्हारी भोसड़ी के, ये साली डायन है, निकालो इसको। तो ये उसे उसी साइक एक्ट्रेस के पास ले जाते हैं जिसके पास ये अभी है, who's like, हाँ, आपका बच्चा चूतिया है ऑफिशियली, ये बुक पढ़ गया, पागल हो गया, एक नंबर का चूतिया है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरी बात मानो। अरे बाप रे। तो नाउ ही गॉट अ प्ले नाइस, तो ही स्टार्ट्स प्लेइंग नाइस विद द डायन एंड वेल शी इज हिज ऑफिशियल स्टेप मॉम। राइट, स्टेप मॉम, इंटरेस्टिंग। और अब इसको अपना एंशिएंट शार्प नाइफ कलेक्शन दिखाना पड़ेगा, विच विल कम हैंडी लेटर। तो वेल, इस डायन का बर्थडे आ गया है जो 4 साल में एक बार आता है, 29 फेब को, या आई मीन 28 को भी सेलिब्रेट कर सकते हो भैंचोद, लेकिन नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, लाल चंद्र ग्रहण। तो ये लोग छुपम छुपाई खेल रहे हैं एंड ये अपनी बहन को डब्बे में बंद करके कहीं और छुप जाता है। लेकिन भैया, जिस रूम में बंद किया है वहां से आती है आवाज एंड रूम है बंद, तो दया दरवाजा तोड़ दो। अरे कोंकणा सेन शर्मा, अरे बच्चा मार दिया भाई, अब इसे मारो, कोई मार दो इसको, मैं मार दूंगा नहीं तो उसको। लेकिन ये यूज करती है इन पे सुपर सोनिक साउंड अटैक एंड इसके पाप को टपका देती है। तो अब यंग बोबो हाशमी, वही शार्प नाइफ जिसको थोड़ी देर पहले एस्टैब्लिश किया गया था, उसे यूज करके इसकी चोटी काट देता है एंड शी इज लाइक फ्रॉम खोर बच्चे, तू अपने जैसा है तू, लेकिन मैं तो मर रही हूं, हाय दैया, चल बाय, बाद में आती हूं, बाय बाय। काफी डार्क आई मस्ट से। एंड ये चीज लेके बोबो हाशमी इतना ट्रॉमेटाइज्ड है कि लंबे बालों से फोबिया है इसको। नहीं नहीं कभी नहीं। और अब फैजल की बीवी रूट गई कि साला ये सब हमको बताया काहे नहीं बे। सॉरी डार्लिंग, नहीं मैं तो रूट गई। अच्छा चल शादी कर लेते हैं। ओके चल ठीक है, मैं मान गई। ओके ओके, रूठे हुए गर्लफ्रेंड्स को मना रहे बॉयज, यू मे और मे नॉट टेक एनी नोट्स। एंड वेल, शादी, अजीब सी शादी। एंड बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया, अजीब सा बच्चा। वहाँ वापस बैक टू बिजनेस, जहाँ ये जादू खेल रहा है एंड ही नीड्स अ वॉलंटियर, एंड वॉलंटियर है कल की केकला जिसका नाम है लीज़ा। लीज़ा दत्त फ्रॉम कनाडा। इंटरेस्टिंग, इसी को फैंटेसाइज कर रहा था ना वो बुड्ढा। एंड ये स्टेज पे आके इस पे लाइन मारती है एंड इसको है इस पे शक कि सारी डायन है, तो ये इस पे घोस्ट फिल्टर अप्लाई कर देता है, डैम सन, एंड फिर हटा भी देता है। लेकिन ये अभी भी लाइन मार रही है इस पे, तो वेल बैकग्राउंड चेक तो करना पड़ेगा गूगल पे एंड बूम, लीज़ा कोई थी बहुत साल पहले। एंड इसे आर्टिकल मिलता है जिसमें है जिफ इमेजेस, नॉइस एंड बूथ, नॉट नॉइस। अरे ये गन फट गया। तो अब घर बेचना है पुराना, कहे की महंगाई चल रही है यार। लेकिन घर लेने कौन आई, लीज़ा, ये भी डायन है बेटा, बता रहा हूँ मैं। And she's like, "Ayo, big fan, dude, and I'm rich, you know?" अरे हाँ, घर मांगता है मेरे को, कितने का देगा, सही सही लगाना भैया। तो बोबो हाशमी इज लाइक करोड़ का है, लेकिन तू इतना बार्गेन कर रही है तो 3 में ले ले। अबे साले। लेकिन नाउ शी गॉट ऑफेंडेड, तो ही इज लाइक अरे सॉरी फैजल खान की बीवी यार, आई मीन मेरी बीवी यार, उसको भी जाके सॉरी बोलता हूँ, माफ कर दो, ठीक है। उतनी मैं आ गया इसके पास, ओ हेलो लीज़ा, सॉरी यार। लेकिन शी इज लाइक अरे छोटे, तेरे को सपने में देखी थी इसलिए तेरे शो पे आए, आई नो इट्स वियर्ड एंड ऑल, बट वी वोंट टॉक अबाउट दिस एनीमोर, ऑलराइट, बिकॉज़ दिस शिट इज कंप्लीटली नॉर्मल, लॉल। और सारे दोस्त बन गए ऑब्वियसली ना। तो बस घर बेच दिया और पार्टे, चलो सब कोरस में गाओ, लड़की कमाल। लेकिन इसी बीच बोबो हाशमी की बीवी रेलिंग से गिर गई और मर गई। ओ बच गई। डैम यू लीज़ा, डायन कहेगी मार दे से भी। लेकिन इसका साइक एक्ट्रेस इज लाइक बड़ा
बड़ा सुनो हमारी बात, सॉरी ठीक है। तू यार तू येड़ा नहीं है यार, तेरा भंगार वाला बुक पढ़ा मैंने, उसके अकॉर्डिंगली तेरे लड़े लगने वाले यार, घर आ जा, दारू भी है मेरे पास। लेकिन बूम घर पे आ जाती है डायन। हेलो मदरफकर। अबे ये फिर से आ गई, इसकी तो छुट्टियां कट गई थी ना। एंड शी इज लाइक प्रिपेयर्ड टू डाई एंड वेल आरआईपी इन पीस साइक एक्ट्रेस चाचा पुअर गाय। याद तेरी तो अब वो हाशमी अंडरस्टैंड्स द गेम कि साला वो अडॉप्टेड बच्चा खतरे में है, उसको बचाना पड़ेगा वरना मार देगी, बिल्कुल मार देगी यार। लेकिन वो साला बच्चा स्कूल में है ही नहीं। डैम यू चूतिए बच्चे, फकिंग स्टे इन स्कूल। तो अब करे तो करेगा, बोले तो बोलेगा, डायन लीज को पकड़ते हैं जो घर पे नहीं है, एंड उसके पास भंगार वाला बुक भी है। स्ट्रेंज मैन, रियली स्ट्रेंज, कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो उसी पुराने लिफ्ट से नीचे चलते हैं जहाँ ननक है, और वहाँ ये नीचे जाता है जहाँ का लीकेज ठीक नहीं हुआ है अभी तक, और अंदर तो साला कोई कल्ट बाजी कर रही है। एंड प्लॉट ट्विस्ट, साला इसकी बीवी ही डायन है, एंड आई मीन लिटरली डूड, लिटरली नॉट फिगरेटिवली, और वो बच्चा तक उधर है। एंड शी इज लाइक सन बे गेंडू, तू अपने जैसा है, वो देख डायन डोंकना। एंड डायन कोंकना इज लाइक लीज़ा इनोसेंट है बेटा, उसको शैतान ने भेजा है, समझा? चल अब इस बच्चे को मार दे प्लीज, बिकॉज सैक्रिफाइस लॉर्ड एलिसन शिट डूड, कम ऑन मारना बे चलना। बट ही इज लाइक ए यो डूड, मैं तो आज लड़ेगा भाई, लड़ेगा। एंड शी इज लाइक बेहोश हो जा, तब तक शैतान का पूजा पाठ कर लेते हैं हम, है। बट देन इसे रियलाइज होता है कि एक होता है अच्छा पिसाच, एक होता है गंदा पिसाच, पिसाच नॉट पिसाब, ध्यान से सुनो मेरी बात। और 29 फेब को लाल चांद में उनको पावर्स मिल सकता है, तो ये वकांडा फॉरएवर करके पावर्स ले आता है और सबको पेलना शुरू। हाय 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 हाय, क्या पेला है, मैं भी जावा, तू भी जावा। और बच्चे को लेके बाहर, एंड इसकी प्रोबेबली एक्स वाइफ अटैक सिम, तो ये उसका चोटी कर देता है, एंड वेल शी इज डेड मैन, और ये वकांडा फॉरएवर करके अपना पावर्स वापस भी दे देता है। वाओ अबे चूतिया, वाओ। तो डायन कोंकना अटैक सिम, एंड इसको चोक मी डैडी करती है, कहे कि अकॉर्डिंग टू डायन पिसाच लॉ, पिसाच की जान उसके गर्दन में है। डैम दिस लॉजिक, बट वेल बच्चा जाग चुका है तो वो इसकी चोटी कर देता है, एंड बेटा शी इज ऑल्सो डेड। दैट वॉज इजी, दैट रियली दैट वॉज इजी, मार डाला रे। बस फिर सब कुछ सॉर्टेड, ये दोनों खुश, ये वापस पुराने वाले सीन में है। ये कैसे आया, अच्छा व्हाटएवर। तो जाके ही मेक्स अमेंड्स विद लीज, और वेल मूवी खत्म। कसम से हाँ, इस मूवी का नाम एक थी डायन की जगह दो थी डायन, एक था पिसाज और अपनी लीज होना चाहिए था, बिकॉज टाइटल देने वाले का मैथ्स खराब है। ठीक है, लड़की तो मित्रों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद है तो शेयर कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नए नए भी हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, समझे।